वडोदरानी एमएस यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक पूर्व एबीवीपी द्वारा देखाव करवामां आव्या हता। एबीवीपी कार्यकरोए पोस्टरो साथ वीसी लापता नारा लगाव्या हता, तेमज वीसी डॉक्टर विजय श्रीवास्तव की कामगीरी थी नाराज एबीवीपी कार्यकरोए वीसी नो घेराव करवामां आव्यो हतो, जेमां एबीवीपी और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी सामने सामने आवी जता एक विद्यार्थी घायल थे 108 मार्फते लई जवामां आव्यो हतो, ज्यारे अन्य एक विद्यार्थी ने बेभान थई जता तेने विजिलेंस की ऑफिस में लई जवामां आवी हती। रोषे भरायेला एबीवीपी कार्यकरोए विजिलेंस की ऑफिस कांच पण तोड्या हता। आ समग्र बनाव ने लईने सयाजीगंज पुलिस पण घटनास्थळे दौड़ी आवी हती अने मामलो शांत पाड्यो हतो। तो प्रांतिजना ननानपुर गाम पासे ब्लास्ट थयो हतो, ज्यां घटनास्थळे पाणी नाखता समय फायर ऑफिसर इजाग्रस्त थयो हतो। जमीनमांथी अचानक वराड निकळतो होवानो वीडियो वायरल थता ग्रामजनो पण मोटी संख्यामां उमटी पड्या हता। फायर विभाग द्वारा पाणीनुं टेन्कर लावीने पाणीनो छंटकाव करवामां आव्यो हतो, तो तंत्र द्वारा जेसीबी बोलावीने कामगीरी हाथ धरवामां आवी हती। वहीवटी तंत्र पण घटनास्थळे पहोंच्युं अने वधु तपास शरू कर्यो हतो। तो राजकोट में पीजीवीसीएल द्वारा अलग अलग विस्तारों में चेकिंग हाथ धरवामां आव्यो हतो। 42 टीमों द्वारा राजकोट तालुकाना नुरानीपरा रवेचीपरा कोखरदड गाम और शीतलाधार सहित अनेक विस्तारों में चेकिंग हाथ धरायु। चुस्त पुलिस बंदोबस्त वच्चे पीजीवीसीएल द्वारा कार्यवाही हाथ धरवामां आवी हती। साथोसाथ राजकोटना उदयनगर श्रीनाथजी सोसायटी कालावड रोड परणी विष्णु विहार और सरिता विहार परिजात सहित विस्तारों में कार्यवाही करवामां आवी हती। वडोदरा तांदलजा विस्तार एक मकान में एसओजीए दरोड़ो पाड़ने 30 लाख की किमत एमडी ड्रग्स साथ पेडलर ने मुंबई सप्लायर ने झड़पी पड़ा है। तांदलजा असरफा एपार्टमेंट एक फ्लेट में ड्रग्स कारोबार चाली रो होगतों ने पगले एसओजी पीआई तेमज तेमनी टीमें दरोड़ो पड़ो हो। पुलिस इमरान खान उर्फे चिकन दाना महमूद खान पठाण तेमज ड्रग्स सप्लाय करना मुंबई में सलीम शेख ने झड़पी पड़ा था। पुलिस तेमनी पासेथी रूपया 29 लाख की उपरनी किमत 292 ग्राम मेफेट्रोन ड्रग्स कब्जे कर्यो हतो, ज्यारे रोकड़ा रूपया 40,000 तेमज कार और मोबाइल कब्जे कर्या हता। आ ड्रग्स जत्थो एक निग्रो आपी गयो होवानी विगतो खुलता पुलिस तेनी पण तपास हाथ धरी छे। अमदावादना नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया वच्चे टेस्ट मैच रमाई रही होय त्यारे लोकोने स्टेडियम सुधी फ्री में लावा माटे अने लई जवा माटे नेताओं द्वारा ईएमटीएस बसनो उपयोग करवामां आव्यो छे, ત્યારે તમામ બસ બંધ હોવાથી આજના દિવસે અમદાવાદીઓને તકલીફ વેઠવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું છે। અમદાવાદમાં સોલા વિસ્તારમાં નજીવી બાબતે એક યુવકની હત્યા નિપજાવવામાં આવી હતી, જે અંગે યુવકના પિતાએ સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી હતી। યુવકને છરીના ઘા મારવાથી ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો, જેથી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો હતો, જ્યાં સારવાર દરમિયાન યુવકનું મોત નિપજ્યું હતું। ફરિયાદીને આધારે સોલા પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી પૂછપરછ શરૂ કરી હતી, જેમાં જાણવા મળ્યું કે મૃતક યુવક યુવતી સાથે મિત્રતા રાખીને વાતચીત કરતો હતો, જેને લઈને આરોપીએ અદાવત રાખીને યુવકને છરીના ઘા મારી હત્યા નિપજાવી હતી। છરીના હુમલો કરી અને તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડેલી અને એમના દીકરા પ્રિન્સને સારવાર દરમિયાનમાં સોલા હોસ્પિટલ ખાતે મોકલેલા, તે દરમિયાનમાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયેલ છે। અને આ સાગર યતીનભાઈ પટેલ કે જેમણે આ ગુનાને અંજામ આપેલો છે તેના વિરુદ્ધ ગુનો રજીસ્ટર કરાવેલ છે, અને ગુનો રજીસ્ટર કરાવ્યા બાદ આ સાગરની ધરપકડ પણ સોલા પોલીસ સ્ટેશને કરેલ છે।